नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क टीम वॉरियर में। एक बार फिर हम आपके पास हाजिर हैं एक लेटेस्ट अपडेट लेकर के। एटॉमिक इंडिया के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं इस वीडियो में। जो 2 दिन पहले एटॉमिक ऑफिस की तरफ से ऑफिशियल अपडेट हुई थी और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है इसके बारे में। मेरे पास डेली बेसिस पे काफ़ी कॉल्स आते हैं कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जो लेटेस्ट अपडेट है एटॉमिक लॉन्चिंग का, और जिसके बारे में काफ़ी रूमर्स है। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या न्यूज़ आई है ये। ठीक है, तो ग्लोबल स्टेटस टाइमलाइंस फॉर एटॉमिक इंडिया के बारे में ये न्यूज़ है दोस्तों। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं मेंबर माइग्रेशन, जो ग्रीन कलर का है उस पर आप फोकस कीजिए। मेंबर माइग्रेशन, मेंबर वेरिफिकेशन एंड सेंटर एप्लीकेशन, न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन, शॉपिंग मॉल, ग्रांड ओपन। तो लेफ्ट साइड में ये जितने मेन्यू देख रहे हैं ये एटॉमिक का ऑफिशियल शेड्यूल होता है। जिस भी कंट्री में एटॉमिक लॉन्च होती है तो उससे पहले ये सारे स्टेप्स इनको लेने पड़ते हैं। लॉन्चिंग से पहले अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वेबसाइट्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उससे पहले आपको अपना डाटा सुरक्षित रखना होता है, फिर डाटा माइग्रेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, जितना भी जो डाटा है, फिर मेंबर का वेरिफिकेशन, जितने मेंबर्स एटॉमिक के ज्वाइन हैं इंडिया में उन सब का डाटा फिल्टर आउट करना है एटॉमिक को, क्योंकि काफ़ी लोगों की डबल आईडी लगी हुई है और हस्बैंड वाइफ की डबल आईडी लगी हुई है, किसी का पासवर्ड नहीं है, किसी का यूज़र आईडी नहीं है। तो 3-4 तरह के जो कारण हैं उन सबको दूर करने के लिए मेंबर वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। जिस मेंबर का वेरिफिकेशन हो जाएगा, KYC जिसकी हो जाएगी, उसके बाद कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो एटॉमिक लॉन्चिंग के 3 महीने के अंदर या 3 महीने के बाद जिनको एटॉमिक का सेंटर लेना है, फ्रेंचाइजी लेना है, उसके लिए गाइडलाइंस, उसके लिए डेट्स, उसके लिए फॉर्म्स एंड एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है। सेंटर एप्लीकेशन के लिए मैं आपको बता दूं, सेंटर एप्लीकेशन वही लीडर अलाउ कर सकता है जिसके अपलायन रॉयल क्लब के मेंबर हैं। जिस टीम के अप्लाइन साउथ कोरिया, मलेशिया, किसी भी कंट्री में आपके अप्लाइन हैं, अगर वो रॉयल क्लब के मेंबर हैं, रॉयल क्लब का मेंबर होता है स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन और इंपीरियल मास्टर, ये 4 जो लास्ट के हैं, ये सभी स्टार मास्टर से ऊपर, स्टार मास्टर से ऊपर जितने भी मेंबर्स हैं सभी रॉयल क्लब के मेंबर में आते हैं। और रॉयल क्लब का मेंबर ही अपनी डाउनलाइन टीम से जिसको एजुकेशन सेंटर लेना है या जो लोग क्वालिफाई कर सकते हैं एजुकेशन सेंटर लेने के लिए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको पता नहीं है अभी, और एजुकेशन सेंटर के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। बाकी टीम वॉरियर के लिए, एजुकेशन सेंटर के लिए नाम, डेट्स, वेट जो हैं वो ऑलरेडी हमने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, ऑलरेडी एडवांस में चल रही है टीम वॉरियर पूरे इंडिया में। एप्लीकेशन ऑफ सेंटर के लिए किस किस सिटी में हमने सेंटर प्लान किया है, जो लोग क्वालिफाई करेंगे इसके लिए, तो सारी गाइडलाइंस हमने अपनी पूरी टीम को दे रखी है। और सेंटर हमारी टीम के लिए किस किस में जाएगा तो उसके लिए एडवांस में हम प्लान कर चुके हैं, और जैसे ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन एटॉमिक की तरफ से आएगी कि इस डेट में आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो हमारे लीडर्स का नाम उस डेट में सबमिट हो जाएगा साउथ कोरिया से, हमारे जो अपलाइन है रॉयल क्लब के मेंबर। ठीक है, तो ये हम पहले ही वर्कआउट कर चुके हैं, जिसको बोलते हैं रफ वर्कआउट, तो हम कर चुके हैं। अगर आपने अपनी टीम में रफ वर्कआउट नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन। जैसे साथ के साथ में एटॉमिक की वेबसाइट लॉन्च हो गई, डाटा वेरीफाई हो गया, KYC हो रहा है, चल रहा है साथ के साथ, तो जो डाटा वेरीफाई होगा उसके लिए एक बहुत लंबा टाइम चाहिए। अभी अप्रोक्सीमेटली 10.5 लाख 1 मिलियन मेंबर से ऊपर एटॉमिक के रजिस्टर्ड यूजर्स हो चुके हैं एज ए कंज्यूमर मेंबर्स। जब एटॉमिक की वेबसाइट ओपन होगी तो सभी जो एज ए कंज्यूमर मेंबर आईडी जितनी एटॉमिक कोरिया की वेबसाइट पे हुई है वो सारा का सारा डाटा एटॉमिक इंडिया की वेबसाइट पे माइग्रेट होगा। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, जब आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी तब आपकी आईडी में एज ए एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर आपको मिलेगा, जो आपका यूजर आईडी वो सेम रहेगा, तो आपकी आईडी ADN में कन्वर्ट हो जाएगी एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर में KYC होने के बाद। फिर उसके बाद आप एटॉमिक की वेबसाइट को फुल्ली एक्सेस कर पाओगे, और न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन का डेट भी वो एक टाइम के बाद देंगे। इनिशियली प्रोसेस जब स्ट्रीम लाइन में हो जाएगा तभी ये डेट दी जाएगी। उसके बाद आता है शॉपिंग मॉल ओपन। दोस्तों, शॉपिंग मॉल ओपन का जो मेन क्राइटेरिया है, शॉपिंग मॉल कोई ऐसा मॉल नहीं है कि बड़ी बड़ी मॉल्स ओपन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी ऐसा मॉल ओपन इंडिया में नहीं होना है, ये क्लियर कट आप इन्फॉर्मेशन रखें, और ऐसा मॉल के लिए न्यूज़ आएगी अभी नहीं, टाइम लगेगा उसके लिए। ठीक है, शॉपिंग मॉल का मतलब यह है एटॉमिक की वेबसाइट, जस्ट लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट पे जैसे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करते हो उसी प्रकार से शॉपिंग मॉल का मतलब यहाँ पे है एटॉमिक की वेबसाइट ऑफिशियली ओपन होगी और आपको बोला जाएगा कि आप शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आप अपना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शॉपिंग मॉल ओपन। लास्ट में ग्रांड ओपन। ग्रांड ओपन का मतलब मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, जैसे ही 3 महीने एटॉमिक ओपन हो जाएगी
सपोज करो जून में ओपन हो रही है, तो जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का पीरियड है, तो 3 महीने में जितने भी लीडर्स मास्टरशिप लेवल गेन करेंगे, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेरोन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, ठीक है, यहाँ तक जो भी लोग चले जाएंगे या इससे ऊपर जो भी है, जितने लोग मास्टरशिप लेवल अचीव कर लेंगे, उन सब लोगों के लिए एटोमी के स्टेज के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ग्रांड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि इंटरनेशनली अलग अलग कंट्री में एटोमी कर चुकी है, वैसा ही बहुत बड़ा फंक्शन होगा। स्टेज के ऊपर एटोमी के CEO मिस्टर हैनगिल स्पारक आएंगे और इंटरनेशनली 5 से 6 जो इंपीरियल मास्टर है वो आएंगे और क्राउन मास्टर, रॉयल मास्टर, अलग अलग कंट्री के लोग आएंगे और आपको स्टेज के ऊपर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। उसका मतलब है ग्रांड ओपन, एटोमी वो सेमिनार की लिस्ट बनाएगी किस एरिया में सेमिनार करने हैं, ग्रांड ओपनिंग का मतलब बहुत बड़ा सेमिनार, वहाँ पे आपको सम्मानित किया जाएगा स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर बनना चाहते हैं, आप मास्टरशिप लेवल जो लोग इंडिया में अचीव करना चाहते हैं, वो जो मास्टरशिप लेवल आप स्टेज पे जाकर के प्राइज अवार्ड रिवार्ड लेना चाहते हैं, हैनगिल स्पारक से हाथ मिलाना चाहते हैं, या आप भीड़ में बैठ करके तालियां बजाना चाहते हैं, जो लोग मास्टरशिप लेवल अचीव कर लेंगे, आप सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेरोन रोज मास्टर के लिए तालियां बजाना चाहते हैं, भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, या आप अपने लिए तालियां बजवाना चाहते हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है दोस्तों। अगर आपको ये लेवल अचीव करना है तो मेहनत कीजिए, अभी से टीम क्रिएट कीजिए, अच्छी क्वालिटी बेस्ड टीम क्रिएट कीजिए, ठीक है। अब आता है एक्सपेक्टेड शेड्यूल, एक्सपेक्टेड शेड्यूल ऊपर देखिए, चेंज शेड्यूल और रीजन फॉर चेंज, राइट साइड में जो रेड मार्क है उस पर हम सबसे लास्ट में जाएंगे। अब सेकंड पे आ जाइए, एक्सपेक्टेड शेड्यूल, जो एटोमी की वेबसाइट का एक्सपेक्टेड शेड्यूल था वो 25 मार्च था दोस्तों, सुबह 10 बजे से, कोरियन टाइम था 1:30 बजे, ठीक है। तो जो 25 मार्च का एटोमी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट का शेड्यूल था वो चेंज अब हो गया है अप्रैल में, क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन कर दिया गया है 14 अप्रैल तक इंडिया में 21 दिन का। तो एटोमी के ऑफिशियल जितने भी इंडिया में काम कर रहे हैं, ऑफिस में ऑफिस क्लोज कर रखा है, सभी लोग अपने घर से काम कर रहे हैं और जितना पॉसिबल हो सके वो आपको सुविधाएं दे रहे हैं घर बैठ के, ठीक है। तो 25 मार्च की जगह ये चेंज हो गया है शेड्यूल अप्रैल में, और डेट विल बी फिक्स्ड आफ्टर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट इन इंडिया। और जो एटोमी वेबसाइट की डेट ये तब ओपन करेंगे जब इंडिया गवर्नमेंट जो कोरोना का इश्यू है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं कि अप्रैल तक सारा कोरोना ख़त्म हो जाए इंडिया में। तो आप लोग घरों में रहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कीजिए दोस्तों, जिंदा रहेंगे तो एटोमी में सब कुछ करेंगे, अगर जिंदा नहीं रहे तो फिर क्या फ़ायदा एटोमी का, ठीक है ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एटोमी फैमिली की तरफ से, आप लोग घरों में रहिए, घर बैठ करके मीटिंग कीजिए, जूम मीटिंग कीजिए, जैसा टीम वॉरियर पिछले 1.5 साल से जूम मीटिंग कर रही है, हमारी डेली बेसिस पे जूम मीटिंग होती है और हम अपने लीडर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, टीम को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से जूम मीटिंग, ये कोई नई बात नहीं है टीम वॉरियर के लिए स्पेशली, ठीक है। तो नेक्स्ट है 26/3 यानी थर्ड मंथ, 26 मार्च से 25 सितंबर यानी कि 6 महीने का जो पीरियड था ये मेंबर वेरिफिकेशन का दिया गया है, और जो मेंबर वेरिफिकेशन का एक्सपेक्टेड शेड्यूल था वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो हो गया है राइट साइड में देखिए 5/18 यानी कि 18 मई से 17 नवंबर तक, तो ये शेड्यूल भी बढ़ा दिया है मेंबर वेरिफिकेशन के लिए 6 महीने हैं, तो जो एक्सपेक्टेड शेड्यूल था वो चेंज शेड्यूल हो गया, ठीक है। और जो चेंज शेड्यूल की जो डेट दे रखी है वो भी, ये सभी डेट एक्सपेक्टेड है, फिक्स नहीं है, इस बात को मैं बता रहा हूँ, आप मेरी किसी भी डेट को फिक्स मत लीजिए, जो इसमें दिया गया है प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखिए वही मैं बता रहा हूँ। थर्ड पे है सेंटर एप्लीकेशन, जिसके बारे में हम डिस्कस किया था हमने, सेंटर एप्लीकेशन के लिए आपकी टीम में कितने लोग सेंटर के लिए क्वालिफाई करेंगे, सेंटर लेने के लिए एजुकेशन सेंटर जिसमें 6% प्रॉफिट मिलता है आपको, यू विल गेट 6% प्रॉफिट इट ईच एंड एवरी मंथ, ओके। जितने भी महीने में जैसे आपने एक दुकान खोल ली, उस दुकान में जितने प्रोडक्ट बिकेंगे एक महीने में, चाहे वो आपकी टीम का हो चाहे दूसरे टीम का बंदा आपकी दुकान से सामान लेकर के जाए, उसके ऊपर जितने भी प्रोडक्ट मिलेंगे उसके ऊपर 6% मिलेगा। तो जो एटोमी सेंटर है 6% का जो प्रॉफिट है, एटोमी सेंटर फ्रेंचाइजी उन लेने के लिए, एजुकेशन सेंटर लेने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जिस लीडर के नाम पे लाइसेंस मिलेगा और उस लीडर्स को कुछ क्राइटेरिया होता है, तो उसके बारे में हम अपने अलग वीडियो में बताएंगे, तो उस चीज़ को यहाँ पे मर्ज नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कि एटोमी की जो सेंटर एप्लीकेशन है, एजुकेशन सेंटर लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अभी सेंटर नहीं मिलेगा, जब एटोमी लॉन्च होगी आपको बताएगी कि आपको इतना टाइम दिया गया है, 2 से 3 महीने का, 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, आप अपने लीडर्स की एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और जो एप्लीकेशंस होगी वो वेरीफाई करेगा आपका अपलाइन, और आपका अपलाइन होना चाहिए रॉयल क्लब का मेंबर, ठीक है, स्टार मास्टर मिनिमम होना चाहिए, वही साइन करेगा, तभी आपका सेंटर की एप्लीकेशन वो अप्रूवल के लिए जाएगी, और पहले 3 महीने या 6 महीने का जो भी रूल होगा इंडिया में सेंटर लेने के लिए वो आपको ऑफिशियली बताया जाएगा, ठीक है।
तो इसके बारे में कंफ्यूज मत रखिए आप एटॉमिक सेंटर के लिए, जितने भी दिए हैं मैंने एटॉमिक सेंटर के बारे में इस वीडियो में बताया वो जस्ट एक एग्जांपल है, ओरिजिनली ऑफिशियली कुछ नहीं बताया है मैंने आपको, ठीक है। जैसा एटॉमिक कोरिया में ऑफिशियली जो एजुकेशन सेंटर जिस तरीके से प्लान होता है उसके लिए हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है, तो उस वीडियो में आप देखिएगा। तो अभी जो चीज़ बता रहा हूँ वो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एज ए पॉजिटिवली, एज ए गाइडलाइन और एज ए इन्फॉर्मेशन लेके चलिए एटॉमिक सेंटर के बारे में। तो 4 अप्रैल से 7/15/7 यानी कि जुलाई, 3 महीने का टाइम आपको पहले मिलता, अब वो चेंज कर दिया है, 18 मई से लेकर के 18 अगस्त तक का 3 महीने का टाइम आपको कंपनी देगी। जितने भी सेंटर की एप्लीकेशन आपकी टीम में आप खोलना चाहते हैं तो एटॉमिक डिसाइड करेगी कि कौन कौन से लोग उसके लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। जो लोग क्वालिफाइंग करेंगे उनको ही लाइसेंस मिलेगा बस, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन। न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन, जैसा कि एटॉमिक की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो गई, कुछ दिन के लिए रजिस्ट्रेशन होल्ड करेंगे क्योंकि पूरा का पूरा डाटा माइग्रेशन होना होता है एटॉमिक कोरिया वेबसाइट से एटॉमिक इंडिया की वेबसाइट पे। तो उसके बाद एक डेट भी निकाल करके लाए थे, 27 अप्रैल 2020 में नया मेंबर रजिस्ट्रेशन जो इंडिया में है उसका नया मेंबर रजिस्ट्रेशन होना है। तो अभी ये जो डेट चेंज कर दी गई 19 मई 2020 को आपको जो है डेट चेंज कर दी गई है, ठीक है। और जो नए मेंबर का रजिस्ट्रेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 19 मई के आसपास से स्टार्ट होगा। ये अप्रोक्सीमेट डेट है, फिक्स नहीं है अभी, ठीक है, एक्सपेक्टेड शेड्यूल है बस, आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट में शॉपिंग मॉल ओपन, जो इंडिया में एटॉमिक की वेबसाइट है ऑफिशियली फंक्शन आउट कब करेगी वो उसका डेट था 1 मई, यानी कि एटॉमिक का जो दोस्तों ऑफिशियल लॉन्चिंग का जो एक्सपेक्टेड शेड्यूल था, अप्रोक्सीमेट शेड्यूल की संभावना थी वो थी 1 मई 2020, वो चेंज कर दी गई 18 जून, जैसा कि एटॉमिक ने कमिटेड किया है कि हम 1 अप्रैल से जून के बीच में लॉन्च करेंगे Q2 में। तो Q2 की जून की लास्ट डेट इन्होंने दी 18 जून। अगर सब कुछ सही रहा एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोरोना ख़त्म हो गया तो दोस्तों एटॉमिक लॉन्च होगी, अप्रोक्सीमेट डेट दे रखी 18 जून 2020। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, शॉपिंग मॉल इंडिया की वेबसाइट ऑफिशियली फंक्शन करेगी, अप्रोक्सीमेट जो डेट दे रखी है अभी 18 जून दे रखी है, ठीक है। और ये डेट आगे पीछे हो सकती है, इसमें देखा जाएगा कि इंडिया में गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है कोरोना को लेकर के, कितना ख़त्म हुआ है कितना बचा हुआ है, उसको देखते हुए एटॉमिक इंडिया गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करेगी। जब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, स्ट्रीम लाइन में होगा, इंडिया में सब कुछ ओपन रहेगा तभी ये ओपन करेंगे, ये तो बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ग्रैंड ओपन की जो डेट थी वो September 2020 से October 2020 के बीच ग्रैंड ओपन का बहुत बड़ा सेमिनार होना था, जो कि थोड़ा चेंज कर दिया गया, अक्टूबर से नवंबर के बीच एक्सपेक्टेड है, अभी डेट नहीं आई है और ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये तीनों चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, लेफ्ट साइड पे ग्रीन मेन्यू, फिर एक्सपेक्टेड शेड्यूल जो एटॉमिक का था, और चेंज शेड्यूल जो अभी थोड़ा चेंज हुआ है कोरोना के चक्कर में, लास्ट का रेड मार्क है रीजन फॉर चेंज, ये चेंज क्यों हुआ है इसके बारे में देखिए, अर्जेंट इन्फॉर्मेशन ऑर्डिनेंस बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें पीरियड 21 डेज का लॉकडाउन किया गया है, ठीक है, 22 से लेकर 14 अप्रैल तक, और मेजर इन्फॉर्मेशन कंटेंट के बारे में इसने दिखा रखा है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ मूवमेंट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया है, ट्रेन्स, एयरलाइंस, ठीक है, बस सर्विसेज जो भी है। प्रोहिबिशन फॉर बिजनेस फॉर ऑल शॉप, जितने भी शॉप्स हैं उनका एक्स्ट्रा बिजनेस बंद कर दिया गया, ओनली ग्रोसरी सब्जी वगैरह की दुकानें खुलेंगी, जितने भी फैक्ट्री इंडस्ट्री कंपनी सब क्लोज कर दी गई। तो एटॉमिक भी दोस्तों एक कंपनी है, वो भी क्लोज होना था, उसका ऑफिस भी थोड़े दिन के लिए बंद होना था, जितनी भी कंपनियां क्लोज हुई है, फैक्ट्री क्लोज हुई है, अगर उनके पास फैसिलिटी है घर बैठ कर काम करने की तो वो फैसिलिटी दे रहे हैं, और एटॉमिक के ऑफिशियल्स दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, आपके लिए सारी फैसिलिटी वो कर रहे हैं, अभी दे रहे हैं। स्ट्रिक्ट सेल्फ क्वारंटाइन, सेल्फ क्वारंटाइन का मतलब यह है कि हर आदमी को इंडिया के अंदर बोला गया है कि आप अपने आप को आइसोलेट करके रखिए, अपने आप को घर में बचा कर रखिए, क्योंकि कोरोना वायरस 6 फीट से दूर भी फैलता है दोस्तों, 2 मीटर के दूर से भी आपको पकड़ लेगा। तो घर में रहेंगे, शांत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो एटॉमिक करोगे आप, ठीक है, हम सब, क्योंकि ये संक्रमण बहुत खतरनाक है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि इटली, जर्मनी, USA का कितना बुरा हाल हो चुका है, तो हम सब नहीं चाहते कि हम अपने आप को इस दुविधा में डाले, तो इसकी गाइडलाइन फॉलो कीजिए आप। लास्ट में प्रोविजन ऑफ मूवमेंट फॉर ऑल सिटीजन एक्सेप्ट कंपलसरी मैन पावर, कंपलसरी मैन पावर जितने भी सिटीजन्स थे सब का मूवमेंट रोक दिया गया, जो है जहाँ है वो वहीं रहेगा, एक्सेप्ट पुलिस, हॉस्पिटल्स और जो असेंशियल्स ड्यूटीज़ हैं उन्हीं को अलाउ किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, ठीक है, और आप
अगर नए हैं एटोमी आपको ज्वाइन करना है और टीम वॉरियर के साथ आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कीजिए। टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा इंडिया और ग्लोबली, ठीक है। और दूसरी जो गुड न्यूज़ है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच, और कोरोना से बच के रहें आप और अपने परिवार को भी बचा के रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।